हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। दिस परमिंदर सिंह फ्रॉम बूमिंग बुल्स। सो गाइस, आज फाइनली निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच कर लिया है। आप देख सकते हैं ये डेली टाइम फ्रेम पे ये वाला लेवल है। निफ्टी ने एग्जैक्टली वहीं से रेजिस्टेंस लिया, वहीं जाके रुका है आज ये लेवल पे। इस दिन ऑल टाइम हाई टच किया था 19 अक्टूबर 2021 को, आज फिर से वहीं आया है। ऑल राइट, तो चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, लेवल थोड़ा रीडिफाइन करते हैं। ये रहा हमारा ऑल टाइम हाई लेवल रीसेंट। ओके, सो कल के लिए क्या प्लान रहेगा हमारा? अगर इस लेवल के ऊपर निफ्टी ब्रेकआउट करके क्लोजिंग देता है तो हम एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं विथ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या पिविट्स के टारगेट्स के साथ, क्योंकि इसके ऊपर हम लेवल्स दे नहीं सकते। ऑल राइट, तो चलते हैं बेरिश साइड में। क्या हो सकता है इस लेवल के ऊपर? ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। ओके, यहाँ पे, यहाँ से अगर निफ्टी ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया तो हम एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। और शॉर्ट साइड के टारगेट्स ये रहे हमारे लिए, पहला टारगेट ओके, दूसरा टारगेट 200 EMA, अल्टीमेट टारगेट। ऑल राइट, इसके नीचे हम अगर मार्केट चला भी गया तो भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट रिवर्स भी करता है काफी बार। तो यही टारगेट बनाएंगे कल का, अगर शॉर्ट शॉर्ट साइड चला गया तो। ऑल राइट, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमको ये लेवल्स दिख रहे हैं इम्पोर्टेंट अपसाइड। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिली तो हम एक छोटा सा लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं इस लेवल तक। ये भी ऑल टाइम हाई है, रीसेंट ऑल टाइम हाई है। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई तोड़ के ऊपर जा चुका है। ओके, सो ये रहे लॉन्ग साइड के लेवल्स। इसके ऊपर अगर हमको लेना है तो पिविट्स या 1:2, सेम जैसा मैंने पिछले निफ्टी में बोला था। राइट, और शॉर्ट साइड के लिए हमको इस जोन के ब्रेकडाउन का वेट करना होगा। एक हमको एडवांस हेड एंड शोल्डर जैसा अभी दिख रहा होगा यहाँ पे, ये पहला शोल्डर, ये हेड और ये सेकेंड शोल्डर। ऑल राइट, तो इस जोन के नीचे हमको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिला तो हम शॉर्ट साइड ट्रेड ले सकते हैं। और टारगेट्स ये हमारे रहेंगे 200 EMA, ये ज्यादा दूर है नहीं, तो इसके और नीचे हम ट्राई कर सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको भी हम एक जोन बना देते हैं, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट लेवल फॉर बैंक निफ्टी ये जोन। ओके, इसको तोड़ना काफी मुश्किल होगा कल के दिन, पर अगर फिर भी तोड़ दिया तो हम ये लेवल तक जा सकते हैं टारगेट के लिए। ओके, तो ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स। चलते हैं स्टॉक्स पे। पहला स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर। ओके, इसमें 200 EMA की जरूरत नहीं है। इसमें हमको देखने मिल रहा है डिसेंडिंग ट्रायंगल। ओके, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये रही ट्रेंड लाइन, परफेक्ट है डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो ये रहेगा हमारा शॉर्ट साइड का ब्रेकडाउन लेवल। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हम शॉर्ट साइड ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारा होगा फर्स्ट टारगेट, ये होगा हमारा सेकेंड टारगेट। ये दो टारगेट्स शॉर्ट साइड के लिए, और अगर मार्केट बुलिश होता है तो ये हमारा होगा लॉन्ग टारगेट। एक ही काफी है इतना हमारे लिए। ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक में, DLF। ये रहा, और इसमें हम 200 EMA कुछ काम का नहीं है फिलहाल। इसमें हमको दिख रहा है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लेवल, यहाँ पे काफी टाइम आके रुका है मार्केट। ओके, तो ये होगा हमारा शॉर्ट साइड का ब्रेकडाउन लेवल, इसके नीचे हम ट्रेड ले सकते हैं। और ये होगा लॉन्ग साइड का, और शॉर्ट साइड के टारगेट्स होंगे ये कितना परसेंट है, ये 1% है, परफेक्ट। ये फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं और ये सेकेंड टारगेट ले सकते हैं। छोटा है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इग्नोर नहीं कर सकते, काफी इम्पोर्टेंट लेवल। यहाँ से एकदम से मार्केट ऊपर गया है, इसके नीचे हमको ये ओके वेरी इंपॉर्टेंट लेवल,
ये वाला इसको हम जोन बना देते हैं, इस लेवल के नीचे जाना मुश्किल है स्टॉक के लिए, तो यहीं तक हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे शॉर्ट साइड। राइट, लॉन्ग साइड हम यही दो लेवल्स ले सकते हैं टॉप्स के, कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। राइट, ये रहे लॉन्ग्स के लेवल, चलते हैं नेक्स्ट पीवीआर पे। पीवीआर पे 200 EMA, यस 200 EMA इज गुड। ओके, सो देख रहे हैं आप 2 दिन का इतना छोटा रेंज में कंसोलिडेशन, वेरी वेरी अमेजिंग सेटअप है ये। ओके, इसमें अगर ब्रेकआउट आएगा तो बहुत अच्छा मूव आएगा, दोनों साइड बोथ साइड पोटेंशियल है इसमें। ओके, लॉन्ग साइड के लेवल्स हैं ये दो, पास्ट में जाके मार्क किए हुए थे मैंने। ऑलराइट, और ये दो शॉर्ट साइड के लेवल्स हैं, ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट। ऑलराइट, तो ये रहे पीवीआर के लेवल्स। लास्टली आईसीआईसीआई बैंक, ये भी हमको देखने मिल रहा है ऑल टाइम हाई के पास, ये रीसेंट ऑल टाइम हाई है ये वाला, जो आईसीआईसीआई बैंक ने बनाया था 25 अक्टूबर 2022 को। ओके, अभी वही लेवल, उसी लेवल पे आके एक एक बार टेस्ट किया, फिर दूसरी बार टेस्ट किया, आज फिर से टेस्ट करके एक उसने डबल टॉप बनाया है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, देखने मिल रहा है, परफेक्ट डबल टॉप है। ओके, कंफर्मेशन भी आ चुका है, तो अगर यहाँ से ये रिजेक्शन ले चुका है तो प्राइस एक्शन थ्योरी के हिसाब से ये यहाँ तक तो मिनिमम आना ही चाहिए नेकलाइन तक, चाहे ये नेकलाइन ब्रेक करे या ना करे, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाए, पर यहाँ तक तो आना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक का हम ट्रेड ले सकते हैं अगर ये इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है कल के दिन, कल के इस लेवल, इस ये सपोर्ट यहाँ पे रुका था मार्केट, और ये भी एक लेवल है तो यहीं पे हमने मार्क कर दिया है। ओके, तो यहाँ से ये टारगेट तो ले सकते हैं हम परफेक्ट। ओके, और 200 EMA भी है यहाँ पे, तो इससे आगे का अगर आप होल्ड कर पाए तो करना, पर अगर आप नहीं कर पाए तो छोड़ देना, यहाँ बुक कर लेना। ओके, और सेकेंड टारगेट तो ये है हमारा, अगर बड़ा बहुत ही बड़ा मूव आ गया, डबल टॉप काम कर गया, नेकलाइन ब्रेक हो गई, तो ये टारगेट है। प्लस अगर आपको चाहिए 2-3 दिन तक अगर ये चले डबल टॉप, तो ये एक ये लेवल भी आप ले सकते हो टारगेट के लिए, क्योंकि काफी बड़ा डबल टॉप है, चल सकता है ये 2-3 दिन, 2-3 दिन बेरिश हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक। ऑलराइट गाइस, तो ये था आज का एनालिसिस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।